WWE की शील्ड फैक्शन, बस ये वाला नाम सुनते ही उन पुराने दिनों की याद आ जाती है जब रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस इन्होंने अपनी तगड़ी एंट्रेंस करके WWE में तहलका मचाते थे। अरे भाई नाम बोलो तुम किसी का, बस कोई ऐसा सुपरस्टार छोड़ा है जिसके ऊपर शील्ड का वो ट्रिपल पावर बॉम्ब इन तीनों ने मिलकर ना लगाया। लेकिन जब शील्ड का डेब्यू हुआ था ना, तो उस टाइम पर थोड़ा सा लोचा हो गया इनके साथ। याद ही होगा आपको जब सर्वाइवर सीरीज 2012 में शील्ड का WWE में डेब्यू हुआ था, तो ये क्या पहन के आए थे ये लोग? ये टर्टल नेक वाला स्टाइल तीनों में से किसी को भी पसंद नहीं आया। और तो और WWE का वो रायट शील्ड, अपनी भाषा में बोलो तो वो सुरक्षा ढाल लेके ये एंट्री करेंगे, ऐसा WWE का प्लान था। अबे कैसे लगते हैं तीनों अगर सच में वैसे अपनी एंट्री मार रहे होते तो? मजा नहीं आ रहा है। लेकिन फाइनल फिर वही हुआ शील्ड का वेस्ट, जिसके बाद शील्ड ने ना सिर्फ WWE में बल्कि हमारे दिलों में भी राज किया। अब बस मेरी तो एक ही तमन्ना है कि डीन एम्ब्रोस फिर से वापस WWE में आ जाए, ताकि जैसे तहलका पहले WWE ने मचाया था वैसे ही दोबारा से कुछ दिख जाए। आपकी भी ये तमन्ना है तो लाइक कर दो फिर।